हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास नाइन्थ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पॉलीनोमियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पॉलीनोमियल को समझने के पहले हम लोगों को एक टर्म समझना होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो देखिए कुछ वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कम्बिनेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे देखिए यहाँ पर ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें कुछ वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल एक्स है और कांस्टेंट 2, 3, 5 है। तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशंस होंगे, जैसे यहाँ पे भी देख रहे हैं वेरिएबल एक्स है, कांस्टेंट 5 है, तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं उसको हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ठीक है, आप यह समझ गए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि पॉलीनोमियल क्या होता है। देखिए, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा हो जिसमें वेरिएबल के पावर होल नंबर हो। होल नंबर मतलब क्या, 0, 1, 2, 3 ये सभी नंबर्स होल नंबर्स होते हैं ना। तो कहा गया एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर्स इज कॉल्ड पॉलीनोमियल। मतलब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल के पावर होल नंबर हो उसको हम लोग कहेंगे पॉलीनोमियल। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए, इस एग्जांपल में देखिए एक्स के पावर 2 है होल नंबर है, एक्स के पावर 1 है होल नंबर है, यहाँ पे एक्स नहीं है ना, एक्स पावर 0 है। तब इसका मतलब यहाँ पे जितने भी वेरिएबल यूज हुए हैं, फिलहाल एक यही यूज हुआ है, लेकिन जितनी जगह यूज हुआ है हर जगह वेरिएबल की पावर होल नंबर है। इसका मतलब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप कहेंगे पॉलीनोमियल। अब देखिए दूसरा एक्सप्रेशन देख रहे हैं, यहाँ पे वेरिएबल के पावर हाफ, हाफ होल नंबर नहीं है ना, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलीनोमियल नहीं कहेंगे, मतलब यह पॉलीनोमियल नहीं है, यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल है। ठीक है, देखिए पॉलीनोमियल को आप पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यह हम लोग समझ गए कि पॉलीनोमियल क्या होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हम लोग एक टर्म डिस्कस करेंगे, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल की डिग्री का क्या मतलब है, तो देखिए किसी पॉलीनोमियल में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है, मतलब क्या पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलीनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। मतलब किसी पॉलीनोमियल में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है उसी को हम लोग कहेंगे डिग्री। अब देखिए इस एग्जाम्पल में एक पॉलीनोमियल पी एक्स लिखा हुआ है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। यहाँ आप देखिए वेरिएबल के हाईएस्ट पावर यहाँ पे दिख रहा है ना 2, तो 2 इस पॉलीनोमियल की डिग्री हो जाएगी। मतलब पॉलीनोमियल में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है उसी को हम लोग कहते हैं डिग्री। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ पॉलीनोमियल्स। तो पॉलीनोमियल के जो टाइप्स हैं वह दो बेसिस पे डिफाइंड है, एक है टर्म्स की बेसिस पे, दूसरा है डिग्री की बेसिस पे या पावर की बेसिस पे। तो फिलहाल हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो देखिए कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला होता है मोनोमियल। देखिए मोनो वर्ड का मतलब वन होता है, मतलब ऐसा पॉलीनोमियल जिसमें एग्जैक्टली एक टर्म हो, मतलब क्या अ पॉलीनोमियल है एग्जैक्टली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। अब देखिए यह पॉलीनोमियल है ना, एक ही टर्म है, यहाँ पे भी एक टर्म है, यहाँ पे भी एक टर्म है ना, तो ऐसा पॉलीनोमियल जिसमें एग्जैक्टली एक टर्म हो उसको हम लोग कहते हैं मोनोमियल। ठीक बात है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा टाइप होता है बाइनोमियल। बाई वर्ड का मतलब होता है दो। तो किसी पॉलीनोमियल में अगर दो टर्म है, एग्जैक्टली टू टर्म्स हैं, तो उसको कहेंगे हम लोग बाइनोमियल। अब एग्जांपल के तौर पे देखिए यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 1 और 2, टू टर्म्स है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे बाइनोमियल। यहाँ पर भी देखिए कितने टर्म्स है, 1 और 2, तो इसको भी हम लोग कहेंगे क्या, बाइनोमियल। देखिए टर्म्स किससे डिसाइड होते हैं, प्लस माइनस से टर्म्स डिसाइड होते हैं, है ना। तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, इसमें भी दो टर्म्स हैं, तो इन दोनों को हम लोग कहेंगे बाइनोमियल्स। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आते हैं ट्राइनोमियल। तो नेम से क्लियर है, ट्राई मतलब तीन। तो ऐसा पॉलीनोमियल जिसमें एग्जैक्टली 3 टर्म्स हो उसको कहेंगे ट्राइनोमियल। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, कितने टर्म्स है, 1, 2 एंड 3 है ना, तो इसको कहेंगे ट्राइनोमियल। कितने टर्म्स है, 1, 2 एंड 3, तो इसको कहेंगे ट्राइनोमियल। और मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, सबका एक साथ अगर कहेंगे तो हम लोग कहेंगे पॉलीनोमियल्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पॉलीनोमियल के फिलहाल हम लोग टर्म्स की बेसिस पे तीन टाइप्स देखे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। देखिए आगे भी होते हैं लेकिन फिलहाल हम लोग इस चैप्टर में तीन टाइप के बारे में बात करें, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। एक चीज़ और यहाँ पर सीख लीजिए कि देखिए कोई भी पॉलीनोमियल है, जैसे यही पॉलीनोमियल है ना, तो एक्स स्क्वायर के आगे जो कांस्टेंट है 2 है, मतलब एक्स के स्क्वायर के अलावा जो वैल्यू है 2 उसको कहेंगे कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स के साथ जो वैल्यू लिखी गई है, कांस्टेंट लिखा गया है,
इसको कहेंगे कोफिशियंट ऑफ एक्स और यह है कांस्टेंट टर्म। तो पॉलिनोमियल में जो टर्म्स हैं उसमें किसका कोफिशियंट क्या है आप इजीली बता पाएंगे। तो अभी हम लोग देखें कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, पॉलिनोमियल की टाइप्स देखेंगे डिग्री के बेसिस पे, ठीक है। तो देखिए देखते हैं सबसे पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे 7 क्या है, कांस्टेंट है ना, तो कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 10 क्या है, कांस्टेंट है, तो कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 0 क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो जितने भी कांस्टेंट हैं सबको हम लोग कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन होता है भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो देखिए किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। जैसे यहाँ पे 7 है तो 7 को आप लिख सकते हैं 7x⁻⁰। तो x की पावर कितना हो गया, 0 ना। तो इसका मतलब है कि 7 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, 0। हाँ एक बात ध्यान देंगे, 0 को छोड़ करके 0 एक ऐसा नंबर है जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है लेकिन इसकी जो डिग्री है वह डिफाइंड नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, देखिए 0 को लिख सकते हैं 0 × x⁻², तो कहेंगे डिग्री 2 होनी चाहिए। 0 को लिख सकते हैं 0 × x⁻১, तो कहेंगे डिग्री 1 होनी चाहिए। इसका मतलब है कि 0 की कई डिग्री नहीं हो सकती ना। तो 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो है लेकिन इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। इसको हम लोग एक नेम देते हैं 0 पॉलिनोमियल, मतलब 0 को आप 0 पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो कहा गया कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इस कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको आप कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे 2x+5 हाईएस्ट पावर 1 है ना x के, तो इसकी डिग्री 1 है तो इसको हम लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए कहा गया ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, डिग्री कितनी हो 2, इस कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे x²+5x+7, तो इसकी डिग्री कितनी है 2 ना, तो इसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो उसको आप कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये एग्जांपल x³+x²+5x+7, तो इसमें देख रहे हैं कि x की हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब इसकी डिग्री 3 है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब क्या, देखें कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक और हम देखते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच पॉलिनोमियल बिकम जीरो इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब क्या, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू रखते हैं और रिजल्ट जीरो आता है तो कहते हैं कि यह जो वेरिएबल की वैल्यू है वह इस पॉलिनोमियल की जीरो है। जैसे आप यहाँ पर देखिए एक पॉलिनोमियल है x-1, तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि x की जगह क्या रखेंगे कि यह जीरो हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा कि 1। तो 1 रखने पे यह जीरो हो जा रहा है, इसका मतलब है कि 1 इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो। इसका मतलब किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू रखने पर अगर वह पूरा जीरो हो जा रहा है तो कहेंगे कि वह वेरिएबल की जो वैल्यू है वह उस पॉलिनोमियल की जीरो है। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि x-1 में x की जगह 1 रखेंगे तो ये जीरो आएगा, इसका मतलब 1 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो अभी हम लोग यह देख पाए कि पॉलिनोमियल की टाइप्स डिग्री की बेसिस पे क्या होती है। तो क्या होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। और साथ में देखा कि किसी पॉलिनोमियल के जीरो का मतलब क्या है। अब हम पॉलिनोमियल पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखिए लिखा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल दिस एट x=0, x=-1 एंड x=2। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल आपको लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसको पहले आप px लिख दीजिए, है ना, 4x²+3। अब कहा गया कि इसकी वैल्यू x=0 पे निकालना है, तो आप क्या करिए x की जगह 0 लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 5×0, 4×0²+3, तो फाइनली कितना आ गया 3। इसका मतलब है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है 0 पे कितनी हो गई, 3, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसकी जो वैल्यू है वह 1-1 पे निकालनी है, ठीक बात है। तो आप x में -1 रखिए, 5×-1 -4 -1²+3,
तो देखिए कितना हो जाएगा, माइनस फाइव, माइनस वन का स्क्वायर कितना होता है वन, है ना, तो फिर माइनस फोर ही हो गया यह, प्लस थ्री, तो देखिए कितना हो गया माइनस नाइन प्लस थ्री, तो माइनस सिक्स। फिर से देखिए हमने क्या रखना था, माइनस वन है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, माइनस वन रखेंगे तो माइनस फाइव या वन ही हो जाएगा, माइनस फोर माइनस नाइन प्लस थ्री माइनस सिक्स। अब इसकी वैल्यू हम लोग को निकालनी है टू पर, ठीक है, तो टू रख दीजिए, फाइव इंटू टू, फोर इंटू टू का स्क्वायर प्लस थ्री, तो देखिए कितना हो जाएगा, फाइव टू जा टेन, आप यहाँ लिख सकते हैं टेन, टू का स्क्वायर फोर, फोर फोर जा सिक्सटीन प्लस थ्री, तो सिक्सटीन प्लस टेन प्लस थ्री थर्टीन माइनस सिक्सटीन, तो हो गया कितना माइनस थ्री। तो हम लोग क्या दिखा पाए कि ये जो पॉलीनोमियल था इसकी वैल्यू जीरो पे निकाला, माइनस वन पे निकाला और टू पे निकाला, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर टू की बारे में बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पी वाई, पी वाई क्या है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, ठीक है, आपको वैल्यू निकालना है जीरो पर ना, तो पी जीरो क्या हो गया भाई, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो प्लस वन कितना हो गया वन। अब हमको निकालना है पी वन, ठीक है, पी वन देखिए वन का स्क्वायर वन, वन प्लस वन, तो वन माइनस वन कैंसिल कितना आ गया वन, मतलब इसकी वैल्यू जीरो पे कितनी आई वन, वन पे कितनी आई वन। अब पी टू निकालिए, ठीक, टू पे निकालिए, ठीक, तो आप यहाँ रखिए टू का स्क्वायर कितना भाई फोर, टू रखेंगे टू प्लस वन, तो फोर माइनस टू, टू प्लस वन कितना थ्री। तो हम लोग देख पाए कि यह जो पॉलीनोमियल था इसकी वैल्यू जीरो पर वन और वन पर वन और टू पर थ्री, तो इस पॉलीनोमियल की वैल्यू हम लोग निकाल पाए, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, तो देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग। तो देखिए कहा गया है, क्या कहा गया, वेरीफाई द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो यह कहा गया कि जो इसका पहला पार्ट है पी एक्स कितना है, पी एक्स बाई थ्री एक्स प्लस वन, तो पूछा गया कि क्या एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री इसका जीरो है, तो आप क्या करिए कि जहाँ एक्स है वहाँ पर माइनस वन बाई थ्री रखिए, अगर आप जीरो ला देंगे या पा जाएंगे तो इसका मतलब है कि जीरो है। तो यहाँ देखिए थ्री कट गया ना, माइनस वन प्लस वन जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यक्स बराबर माइनस वन बाई थ्री इज जीरो ऑफ पी एक्स, मतलब यह पी एक्स का जीरो है, रखने पे जीरो आना चाहिए ना, यही डेफिनेशन बताई थी हमने, तो अगर जीरो आ रहा है इसका मतलब यह वेरीफाई हुआ कि यह इसका जीरो है, ठीक। देखिए जीरोस की स्पेलिंग बहुत सी बुक में ई एस और कभी जेड ई आर ओ एस भी लिखते हैं, तो वह कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। अब उसके बाद देखिए इसका जो दूसरा पार्ट है पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो अब देखिए पूछा गया क्या है, यह दोनों को वेरीफाई करना है कि जीरो है, तो रख दीजिए वन रखिए, देखिए क्या होता है, वन का स्क्वायर माइनस वन जीरो आ गया ना, माइनस वन रख के देख लेते हैं भाई, उसकी भी बात हो जाएगी, माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर वन माइनस वन जीरो, तो इसमें भी आ गया क्या, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बराबर माइनस वन वन आर जीरो आप पी एक्स, ठीक है। अब इसी तरीके से आप तीसरा जो पार्ट है देखिए पी एक्स बराबर कितना है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पे आपको रखना है कितना माइनस वन अपान रूट थ्री, तो यह रखेंगे देखिए थ्री माइनस वन अपान रूट थ्री का स्क्वायर वन अपान थ्री, तो यह जीरो आ गया, इसका मतलब है कि यक्स बराबर माइनस वन अपान थ्री इसका जीरो है, ठीक है। और अगर आप पी यहाँ पर यह भी रख देंगे टू अपान रूट थ्री, तो देखेंगे यह थ्री, यह हो गया फोर अपान थ्री, देखिए टू का स्क्वायर कितना हो गया फोर, फोर अपान थ्री, यही ना, क्या हम रख रहे हैं टू अपान रूट थ्री रख रहे हैं, तो देखिए फोर अपान थ्री और उसके बाद कितना है माइनस वन, ठीक, तो देखिए यहाँ पर कितना था भाई, फिर से देख लीजिए थ्री है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर अपान थ्री, थ्री हो गया ना, और कट गया अब फोर माइनस वन, तो कितना आ गया थ्री, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जीरो नहीं आया, इसका मतलब हुआ कि टू अपान रूट थ्री इसका जीरो नहीं है, मतलब यह जो है टू अपान रूट थ्री इस पॉलीनोमियल का जीरो
नहीं है, जबकि यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस वन अपॉन रूट थ्री इस पॉलीनोमियल का जीरो है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग यह डिस्कस कर पाए कि जो गिवन वैल्यू है वह क्या इस पॉलीनोमियल की जीरो है या पॉलीनोमियल की जीरो नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं, देखिए लिखा हुआ है कि फाइंड जीरो ऑफ पॉलीनोमियल्स, मतलब इन पॉलीनोमियल्स का जीरो निकालना है ना। तो ठीक है, देखिए पहला पार्ट देखते हैं, पी एक्स बराबर एक्स प्लस फाइव है, तो फॉर जीरो बताया था, जीरो का मतलब क्या होता है कि एक्स की जो वैल्यू है रखें और पॉलीनोमियल जो है वह जीरो हो जाए। तो फॉर जीरो आप क्या करिए कि पी एक्स बराबर जीरो लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद पी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस फाइव, इसको जीरो लिख दीजिए। अब सॉल्व कर दीजिए, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस फाइव। इसका मतलब इस पॉलीनोमियल का जो जीरो है वह माइनस फाइव है। क्यों जीरो है, क्योंकि अगर आप माइनस फाइव को यहाँ पर रखेंगे तो देखेंगे कि रिजल्ट आएगा जीरो, ठीक बात है। चलिए सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, पी एक्स बराबर आप जीरो कर दीजिए जीरो निकालने के लिए। अब पी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस फाइव, दिस इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स बराबर कितना आ गया, फाइव। इसका मतलब इस पॉलीनोमियल का जो जीरो है वह क्या है, फाइव। क्यों भाई, क्योंकि फाइव रखेंगे तो यह रिजल्ट आएगा जीरो, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट को भी देख लेते हैं ना, जीरो के लिए पी एक्स बराबर क्या कर दीजिए, जीरो। अब पी एक्स वैल्यू कितनी है, सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो, तो देखिए सी एक्स बराबर क्या लिख देंगे, माइनस डी, और एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस डी अपान सी। इसका मतलब है कि इस पॉलीनोमियल का जो जीरो है वह माइनस डी अपान सी है। यह देखिए कांस्टेंट है, ठीक है, सी जीरो नहीं हो सकता है। फोर्थ पार्ट देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो भी होना चाहिए, तो ये आप समझिए। उसके बाद देखिए फोर्थ पार्ट में जीरो निकालना है, तो आप पी एक्स बराबर जीरो लिख दीजिए, है ना। इसका मतलब आप थ्री एक्स बराबर जीरो लिख देंगे, थ्री तो जीरो होगा नहीं ना, तो एक्स बराबर कितना हो गया, जीरो। इसका मतलब इस पॉलीनोमियल, किस पॉलीनोमियल का भाई, पी एक्स जो थ्री एक्स है, इसका जीरो कितना है, जीरो। तो इस क्वेश्चन में हम लोग यह देख पाए कि किसी गिवन पॉलीनोमियल के जीरो को हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए आज का जो पूरा क्लास था उसमें हम लोगों ने देखा कि पॉलीनोमियल क्या होता है, पॉलीनोमियल की डिग्री क्या होती है, पॉलीनोमियल के टाइप्स देखे टर्म्स की बेसिस पे, पॉलीनोमियल के टाइप्स देखे डिग्री के बेसिस पे, और उसके बाद पॉलीनोमियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए। तो आज के लिए इतना ही, मैथ स्काई के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।